दोस्तों मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब आप अच्छे डिस्काउंट पे स्मार्टफोन्स बाय कर पाओगे, कब आपको प्राइस कट देखने को मिलेगा, कब आएगी ऑनलाइन शॉपिंग सेल। तो देखो यार, मुझे लगता है अभी आपको प्राइस कट के लिए तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो आपको प्राइस हाई की देखने को मिलने वाला है। अभी दो दिन पहले कुछ फ़ोन हैं जिनका प्राइस बढ़ चुका है और हमने सोचा नहीं था इनका भी प्राइस बढ़ाया जाएगा, और कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनका प्राइस जल्दी आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं, मतलब ये पार्ट टू है आज गिज़्मो ज्ञान वाली वीडियो का। मुझे 17,000 में फ़ोन खरीदना है, बेस्ट कैमरा हो उसका, गेमिंग मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको 17,000 में सिर्फ एक बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला पोको X2, दूसरा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, तीसरा सैमसंग गलेक्सी M31। 16,000 में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। इसका कैमरा भी काफ़ी सही है, इनमें से कोई फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको जाना है एमोलेड डिस्प्ले के साथ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा M31, अदरवाइज उन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ट्रू कॉलर की जगह कोई बेस्ट ऐप बताओ। यार ट्रू कॉलर काफ़ी पॉपुलर ऐप हो चुकी है, मैं रिसर्च करके इसके ऊपर बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। रियलमी 6 और सैमसंग M21 कौन सा लूँ? देखो इन दोनों में से मैं आपको सैमसंग M21 रिकमेंड करूँगा। 16,500 के आसपास ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। इसका रीज़न है बैटरी अच्छी है, यहाँ पर डिस्प्ले टॉप क्लास का है और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू आपको मिल जाएगी। बाकी जो रियलमी 6 है फ़ोन ये भी ठीक है, बट यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले वगैरह का वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा प्राइस के हिसाब से। प्राइस है रियलमी 6 का 14,000, तो ऐसे में उस प्राइस पे 12,500 में M21। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। बेस्ट कैमरा फ़ोन under 20,000। देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा आपको, जल्दी हमारी वीडियो इस पे आपको मिल जाएगी। कुणाल भाई के साथ वीडियो आने वाली है मेरी। सर क्या रेडमी 10X का वेट करना चाहिए इंडिया के लिए? रेडमी 10X इंडिया में लॉन्च किया जाएगा लेकिन किसी और नाम से ये इंडिया में आएगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। मेरे अकॉर्डिंग रेडमी नोट 10 सीरीज़ के अंदर ये फ़ोन इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। चाइना में 5G आ चुका है इसलिए ये फ़ोन चाइना में जल्दी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग इतनी जल्दी ये फ़ोन लॉन्च नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कर दो वीडियो को लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप जानते हैं मैंने रखा हुआ है यहाँ पर एक टारगेट, करने अगस्त तक पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वो तभी पॉसिबल है अगर आप सबने साथ दिया तो। तो दिखा दो अपनी ताकत, बरसा दो अपना प्यार, कर दो वीडियो को लाइक और शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बाकी आप में से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि OnePlus 8 का गिववे कर दूँ। देखो यार इसका तो गिववे नहीं आने वाला, लेकिन इसके अलावा दो तीन और फ़ोन हैं जिनका गिववे मैं जल्दी लेकर आऊँगा, वो जो रिजल्ट पेंडिंग है वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। चलिए आपके बाकी क्वेश्चन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं एक गरम गरम अपडेट के बारे में। अपडेट है OnePlus Z को लेकर। दोस्तों OnePlus Z गीक पेंच पे लिस्ट हो चुका है स्नैपड्रैगन 765G के साथ, तो अब आप ये मान लो ये फ़ोन जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी, जो आपको ये OnePlus 8 मिला था इसका जो प्राइस है आप जानते हैं 42,000 है, इसके कंपेरिजन में OnePlus Z का प्राइस कितना कम किया जाता है। क्या ये फ़ोन आएगा 33,000 की रेंज में या फिर इससे भी ऊपर के प्राइस पे, ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बाकी अगर आपने अब तक OnePlus Z की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है क्यों आपको इस फ़ोन में अपग्रेड नहीं करना चाहिए। बाकी इस पर फिलहाल ऑफर चल रहे हैं, आपको 2,000 का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा बैंक ऑफर लगाकर, तो आप वीडियो चेक कर लो। अगर आपको लगता है ये फ़ोन सही है आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तो आप ये परचेज कर सकते हैं, 40,000 में आपको ये मिल सकता है बैंक ऑफर लगाकर। बाकी OnePlus Z के बारे में कुछ और कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फो कर दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट सेल के बारे में। देखो यार अब तक ये उम्मीद थी कि आपको 15 जून तक सेल देखने को मिल जाएगी, बट अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि यार अभी जो आपको इस टाइम सेल मिल रही है फ्लिपकार्ट पे, ये आप देख सकते हैं 1 जून से लेकर 3 जून तक ये सेल है। यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, बैंक ऑफर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अब से पहले ऐसा नहीं होता था। ये वाली सेल हमें फ्लिपकार्ट पे हर महीने की स्टार्टिंग में देखने को मिलती थी, लेकिन सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। AC पे भी आपको ऑफर मिल रहा है, लैपटॉप पे भी ऑफर मिल रहा है, हेडफोन्स भी आप परचेज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी आइटम्स हैं जहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इस सेल में भी। तो इसको देखकर मुझे लग रहा है जो बड़े वाली सेल आनी है स्मार्टफोन्स पर उसको थोड़ा और डिले किया जाएगा,
यह आपको सिर्फ मिलेगी वो सेल स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फ्लिपकार्ट पे मोबाइल बोनांजा सेल देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको स्मार्टफोन के अलावा कुछ और परचेज करना है तो मुझे लगता है अभी आपको परचेज कर लेना चाहिए इस सेल में। हेडफोन, लैपटॉप, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, कुछ भी आपको लेना है अभी परचेज कर लीजिए। बाद में सिर्फ फ़ोन पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे बाकी आइटम्स की जगह पे। बाकी देखते हैं क्या होते हैं आने वाले टाइम में, कुछ और कन्फर्म होती मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफर पेज का लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया डील्स देखने को मिल जाएंगी। अब जहाँ तक बात है प्राइस हाइक के बारे में, तो देखो यार Redmi Note 8 का भी प्राइस बढ़ चुका है। 10,000 का ये फ़ोन आपको मिलता था, अभी आप ले पाएंगे इसका बेस वेरिएंट 12,000 में, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 665, जिसकी वैल्यू 10,000 से कम Xiaomi ब्रांड के हिसाब से सही है, लेकिन इससे ऊपर बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। और प्राइस बढ़ चुका है पोको X2 का, इसकी भी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अभी आपको मिल रहा है 17,500 में फ़ोन। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ब्रांड्स कर क्या रहे हैं, इतना प्राइस क्यों बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है अब हमें अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा स्मार्टफोन प्राइसेस को लेकर। जो हमें लगता था हमें फ़ोन मिलेगा 10,000 से कम की रेंज में, उसके लिए हमें अब पे करने होंगे 11,000-12,000 के आसपास, और 15,000 वाले फ़ोन के लिए 17,000-18,000 के आसपास। वैसे ये बहुत गलत बात है, बट ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रियलमी, Xiaomi, सैमसंग सबकी तरफ से यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आगे आने वाले टाइम में सैमसंग के स्मार्टफोन्स का भी प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। मतलब सैमसंग M21 जो अभी आपको मिल रहा है 12,700 का, उसका प्राइस मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये फ़ोन परचेज़ करना है तो जल्दी से आप परचेज़ कर लीजिए, उस प्राइस पर ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप बिना डाउट के ये परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग A50s, इसका प्राइस भी थोड़ा और बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। और जो सैमसंग M31 है, इसका प्राइस थोड़ा सा कम किया जाएगा अभी जो प्राइस है उसके कंपेरिजन में। फ़िलहाल आपको ये फ़ोन मिल रहा है 16,000 का, मुझे लगता है थोड़ा इसका प्राइस कम हो जाएगा, मतलब 15,000 में ये आपको फ़ोन मिल जाएगा आने वाले टाइम में। अगर आपको M21 परचेज करना है या A50s करना है तो अभी सही टाइम है परचेज करने का, लेकिन A50s ऑफलाइन मार्केट से और M21 Amazon पे आपको मिल जाएगा। बाकी और जोन से भी फ़ोन का प्राइस बढ़ने वाला होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो प्राइस कट है उनके लिए आपको अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है जब तक आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर सेल देखने को नहीं मिलती स्मार्टफोन्स की, तब तक प्राइस कट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड्स बहुत ही स्मार्ट हैं। अभी ये थोड़ा थोड़ा करके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, फिर एकदम से सेल आते ही कम कर देंगे, जिससे हमें लगेगा हमें तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बट होगा क्या, जो प्राइस पहले था फ़ोन का वही हमें उस टाइम पे मिल जाएगा, जो बीच में प्राइस बढ़ाया हुआ है इसी को वो कम कर देंगे उस टाइम पे। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, कुछ और कन्फर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब मैं आपके बाकी के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। उसके बाद आप कह रहे हैं कि MediaTek P22 है प्रोसेसर, एक फ़ोन में सेम प्रोसेसर के साथ पबजी चल जाता है दूसरे में नहीं चलता, क्या रीज़न है। देखो यार, यहाँ पर प्रोसेसर के अलावा डिपेंड करते हैं फ़ोन में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरह की गई है, उस पर भी डिपेंड करता है कैसी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। उसके बाद आप कह रहे हैं MediaTek Helio P70 या फिर स्नैपड्रैगन 665 कौन सा अच्छा है। देखो दोनों में उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, आसपास के ही दोनों प्रोसेसर हैं। अगले क्वेश्चन में, आपको 16,000 में फ़ोन चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं एक तो रियर फ्रंट कैमरा अच्छा हो, वीडियो बुके मोड भी आपको मिल जाए, साथ में कॉम्पैक्ट फ़ोन हो 6.4 इंच स्क्रीन साइज तक का, परफॉर्मेंस अच्छी हो वीडियो रेंडरिंग करने के लिए, और आप पूछ रहे हैं Vivo Z1X में वीडियो बुके मोड है या नहीं है। नहीं, आपको Vivo Z1X में वीडियो बुके मोड नहीं मिलता। इसके अलावा आपका कहना है कि आपको ये फ़ोन चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वगैरह करने के लिए। देखो वीडियो बुके मोड वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला, आपको मज़े लेने के लिए ठीक है ये चीज़, बट अगर आप प्रॉपर इससे वीडियो बनाओगे तब आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं होगा, कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन में इशू रहेगा, तो वो सोचकर आप वीडियो बुके मोड वाला फ़ोन मत लीजिए, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। दोस्तों एक बात और, शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फ़ोन की झलक दिखाई थी, मैंने कहा था कि ये फ़ोन इंडिया में कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएगा, गैस करके आपको बताना था कौन सा वो फ़ोन है। तो देखो यार, आप में से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया, जी हाँ वही फ़ोन है वो, जिसकी वीडियो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी। अभी भी वो फ़ोन टेबल पर रखा हुआ है, फ़िलहाल मैं आपको क्लियरली बोल के बता नहीं सकता कौन सा वो फ़ोन है, बट जो आपने गैस किया था वही है, लिख दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं, उस वीडियो में कमेंट चेक कर सकते हैं आप, आपको आइडिया लग जाएगा। आप अभी A50 चला रहे हैं एक साल से, एक नया फ़ोन आपको लेना है सैमसंग का, जिसका कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी सब बढ़िया हो, 25,000 की रेंज में,
या फिर S10 लाइट लो। देखो यार, S10 लाइट काफ़ी अच्छा फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, और फिलहाल आपको इस फ़ोन पे 5000 का इंस्टेंट डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 37-38,000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। मुझे पोको X2 और रियलमी X2 में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कन्फ्यूज़ हूँ। कुछ चीज़ें रियलमी की बेटर हैं और कुछ चीज़ें पोको की बेटर हैं। बिल्कुल आप ठीक बात बोल रहे हैं, दोनों में से कुछ बातें कहीं पर आपको अच्छी मिल जाएंगी और कुछ बातें कहीं पर अच्छी मिलेंगी। हमने इनका कंपैरिजन किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मुझे पर्सनली पोको X2 बेटर लगता है थोड़ा रियलमी X2 के कंपैरिजन में। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, वो सब हमने आपको उस वीडियो में बताए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। सैमसंग M21 या रेडमी नोट 9, जनरली आई प्ले गेम्स, अगर आप गेमिंग करते हैं तब मैं आपको रेडमी नोट 9 रिकमेंड करूँगा M21 की जगह पे। क्या आने वाले टाइम में नोट 9 प्रो में स्मूथ एक्सट्रीम HDR अल्ट्रा का सपोर्ट आएगा? नहीं, ऐसा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। हालांकि प्रोसेसर ये कैपेबल है, बट ये आपको फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा। पोको F1 और Asus 5Z, देखो यार, मुझे पर्सनली Asus 5Z बेटर लगता है पोको F1 के कंपैरिजन में, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कहूँगा, अब ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी पुराने हो चुके हैं, अगर आप दोनों को इग्नोर करके कोई नया फ्लैगशिप किलर लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा यूज़ करने का इनके कंपैरिजन में। रियलमी X50 Pro प्लेयर एडिशन इंडिया में कब लॉन्च होगा? मुझे लगता है यार जून जुलाई के आसपास लॉन्च हो जाएगा। रियलमी ने हर महीने इंडिया में कुछ ना कुछ लॉन्च करना है, तो जून में आपको रियलमी X3 सीरीज़ देखने को मिल सकती है, उसके बाद इसका नंबर भी आ जाएगा इंडियन मार्केट के लिए। आपको क्या लगता है पोको F2 कौन सा प्रोसेसर के साथ आएगा? देखो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जो पोको F2 है ये आपको मिलेगा प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में, मतलब कि 22,000 की रेंज में, और यहाँ पर हो सकता है स्नैपड्रैगन 765G, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मैं इसको लेकर अभी कंफर्म नहीं हूँ। और जो पोको F2 प्रो है वो आपको मिलेगा फ्लैगशिप किलर के सेगमेंट में, तो देखते हैं क्या होते हैं आने वाले टाइम में। फिलहाल तो बड़ी कन्फ्यूज़न है इसको लेकर। रियलमी 6, रेडमी नोट 9 प्रो, सैमसंग M20, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए? देखा जाए तो ऑन पेपर ये तीनों ही फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हैं, बट जब आप ये तीनों फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो तीनों में आपको कुछ ना कुछ कमियाँ और कुछ ना कुछ अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। अगर मैं इनमें से प्राइस के हिसाब से किसी और एक को पिक करता हूँ तो मैं करूँगा सैमसंग M21 को, बिकॉज ऑफ 12,500 में आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, बट गेमिंग वहाँ पर आप उस लेवल की नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्पेशली गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तब आप जाइए रियलमी 6 के साथ। रियलमी 6, रेडमी नोट 9 प्रो, सैमसंग M21, विच फ़ोन इज़ वैल्यू फॉर मनी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए? देखो यहाँ पर बात ऐसी है, इन तीनों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें और कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। यहाँ पर आपको आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा कौन सा फ़ोन आपको परचेज़ करना है। अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो डिस्प्ले यहाँ पर बेस्ट है सैमसंग M21 का, डिस्प्ले और बैटरी दोनों वहाँ पर आपको टॉप क्लास के मिल जाएंगे। और अगर आपको गेमिंग भी करनी है फ़ोन में तब आपको परचेज़ करना होगा रियलमी 6 या फिर रेडमी नोट 9 प्रो में से कोई एक स्मार्टफोन। A51s किस प्राइस रेंज में होगा और कौन सा प्रोसेसर होगा उसमें? अभी इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ कि A51s कब लॉन्च किया जाएगा, तो कुछ और पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। OnePlus 8 या OnePlus 7T और OnePlus 7 Pro, डिपेंड करते हैं किस प्राइस पे आपको कौन सा फ़ोन मिल रहा है। अगर OnePlus 7T आपको मिल रहा है 30-33,000 के आसपास तब आप ये परचेज़ कर लीजिए, और OnePlus 8 भी आपको अच्छी प्राइसिंग पे मिल रहा है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एंड Amazon सेल मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रेडमी नोट 9 प्रो इन सेल? मुझे लगता है ये फ़ोन आपको 12,000 के आसपास मिल सकता है, 12-12,500 के आसपास, बाकी कंफर्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। अभी ऑफिशियली इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। और 15,000 में आपको नोट 9 प्रो मैक्स भी मिल सकता है, 15-16,000 की रेंज में, ये भी मैं आपको बता दूंगा कन्फर्म होते ही। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन OnePlus 7T बैटरी? देखो यार मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं आया था मैंने जब ये फ़ोन टेस्ट किया था। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हैं OnePlus 7T और बैटरी में इशू आ रहा है तो कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया हो तो हो सकता है मैंने पार्ट वन में कवर किया हो। पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।